सब्सक्राइब करें कामता साइबर टीवी को और लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश कामता साइबर टीवी पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे द्वारा जो फेसबुक और ट्विटर या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे जो फोटो या वीडियो अपलोड किया जाता है, क्या ये फोटो और वीडियो सिर्फ वहीं रहता है जहां हमने अपलोड किया है, या इसका और किसी साइट पे और किसी वैसे साइट पे जहां हम नहीं चाहते हैं कि उसका इस्तेमाल हो, या किसी और अन्य जगह पे उसका कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, ये कैसे जानेंगे? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक छोटे से टूल्स के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह से हम जान सकते हैं कि हमारा फोटो हमारा वीडियो अभी के समय किन किन साइट्स पे या किन किन ब्लॉग्स पे या यूट्यूब चैनल पे या किसी भी वैसे साइट्स पे जहां हम नहीं चाहते हैं कि ये हो या कहां कहां ये है, ये जानने के लिए आज का ये वीडियो आप देखें और जानें और खुद का वीडियो फोटो टेस्ट करें कि ये वो फोटो कहां कहां है। दोस्तों, कई बार हम लोगों ने देखा है, कई सारे ऐसे मामले आए हैं जिनमें लोगों को नहीं पता होता है और उनका पॉर्न साइट्स पे वीडियो या फोटो बहुत पहले से रन कर रहा होता है, कई महीनों के बाद उन्हें पता चलता है कि उनका फोटो या वीडियो फलाने साइट्स पे फलाने अश्लील साइट पे डाला हुआ है, और इस तरह से कई बार उन्हें एम्बेरेसिंग पोजीशन का सामना करना पड़ता है, काफी डिफेम होना पड़ता है। तो यदि आप रेगुलर यूजर हैं सोशल नेटवर्किंग साइट के, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए और जानना चाहिए, सीखना चाहिए कि किस तरह से हम अपने पिक्चर को या फोटो को ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो कहाँ पे अभी रन कर रहा है या कहाँ कहाँ वो अपलोड है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। इसके लिए हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाकर टीन आई नामक साइट को सर्च करेंगे। टीन आई नामक सर्च पे जाने वेबसाइट पर जाकर हम किसी भी फोटो को सर्च कर सकते हैं। रिवर्स इमेज सर्च इसे कहा जाता है। इसमें एक जैसे मैंने सचिन तेंदुलकर का एक फ़ोटो यहाँ पे लिया है और उसको रिवर्स सर्च करके देखेंगे कि उनका ये पार्टिकुलर फ़ोटो कहाँ कहाँ अभी के समय में यूज हुआ है। देखिए रिजल्ट आया है, करीब 22 अलग अलग वेबसाइट पे, अलग अलग जगहों पे, इंटरनेट पे इस फोटो का इस्तेमाल किया गया है। ये जस्ट नीचे सारा शो कर रहा है किस किस वेबसाइट पे इनका आया है। इसके अतिरिक्त मैं एक और आपको वेबसाइट बतलाऊंगा जिसमें मैं खुद का अपना फ़ोटो डालकर दिखलाऊंगा कि वो कहाँ कहाँ भी यूज हो रहा है। इसके लिए गूगल पे जाकर गूगल इमेज टाइप करना है और उसमें कैमरा आइकन पे क्लिक करके कोई भी फ़ोटो अपलोड कर देना। अपलोड एन इमेज का ऑप्शन आता है, इस पे जाकर कोई भी फ़ोटो अपलोड कर देना है। मैं यहाँ पर एक अपना फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ और उसको टेस्ट करेंगे कि वो फ़ोटो अभी के समय में ऑनलाइन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ये ट्रिक जो है सबसे ज़्यादा लड़कियों को यूज़ करना चाहिए, जिससे लड़कियों को जो रेगुलर इंटरनेट पे अपना फ़ोटो डालती हैं उनको पता चलेगा कि उनका फ़ोटो कहीं मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए आ गया है रिजल्ट। कई सारे ऐसे साइट्स हैं जिनके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता है कि ये कौन से साइट हैं और यहाँ पे मेरा ये फ़ोटो और वीडियो कैसे यूज हो रहा है। तो ये लड़कियों को ख़ास तौर से इस ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो रेगुलर यूज करते हैं इंटरनेट का, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा टूल्स है अपने बारे में जानने के लिए।